बड़ी खबर का रुख करते हैं। आयकर छापेमारी में एक नया ठिकाना और जुड़ चुका है, जहां अब तक 2 करोड़ की नकदी और एक दर्जन लॉकर्स की चाबियां मिली। आयकर छापेमारी अब 16 ठिकानों से बढ़कर 17 ठिकानों पर पहुंच गई। पाली, पिपलिया कला और जोधपुर में छापेमारी आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा कार्रवाई कर रही है। विभाग की जोधपुर शाखा के नेतृत्व में छापेमारी टेक्सटाइल, डाइंग और प्रिंटिंग कारोबार से जुड़े गोगढ़ समूह, पिपलिया कला के प्रेम केबल्स और पीजी फाइल्स समूह, पैकेजिंग मटेरियल निर्माता उमा पॉलीमर समूह के ठिकानों पर छापा और तीनों ही समूह में मिली समानांतर लेखा पुस्तिकाएं। आय छिपाने और खर्च बढ़ाने के लिए इनका उपयोग होता था। इसके अलावा करीब एक दर्जन लॉकर्स का भी पता लगा। तो जानकारी आपको बता रहे हैं और पूरी अपडेट भी आपको बता रहे हैं, क्योंकि आयकर छापेमारी 16 ठिकानों से बढ़कर अब 17 ठिकानों पर पहुंच गई है। आयकर छापेमारी में एक और नया ठिकाना जुड़ चुका है। जयपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 करोड़ की नकदी और एक दर्जन लॉकर्स की चाबियां मिल चुकी है। आयकर छापेमारी जो कि 16 ठिकानों पर इससे पहले जारी थी, एक ठिकाना और बढ़ गया है 17 ठिकानों पर, और जिस तरह की लगातार जांच जारी है ये ठिकाने और बढ़ सकते हैं। पाली, पिपलिया कला और जोधपुर में छापेमारी आयकर विभाग की अन्वेषण शाखा ये कार्रवाई कर रही है। विभाग की जोधपुर शाखा के नेतृत्व में छापेमारी टेक्सटाइल, डाइंग और प्रिंटिंग कारोबार से जुड़े हुए नाम सामने आए। गोगढ़ समूह, पिपलिया कला के प्रेम केबल्स और पीजी फाइल समूह, पैकेजिंग मटेरियल निर्माता उमा पॉलीमर समूह के ठिकानों पर छापा और तीनों ही समूहों में समानांतर लेखा पुस्तिकाएं मिली। अमूमन इनका उपयोग आय छिपाने और खर्च बढ़ाने के लिए किया जाता है। ऐसे में 16 ठिकानों पर जो कार्रवाई आयकर विभाग की चल रही थी, वो बढ़कर 17 ठिकानों पर हो गए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आयकर छापेमारी में एक और नया ठिकाना जुड़ गया है। अब तक 2 करोड़ की नकदी और एक दर्जन लॉकर्स की चाबियां मिली और लगातार कार्रवाई अभी भी आयकर विभाग की जारी है, क्योंकि एक भी सबूत आयकर विभाग के पास पहुंचता है तो फिर उस पर कार्रवाई की जाती है। 2 से 2 जोड़कर आयकर विभाग की जो छापेमारी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की अब तक 16 ठिकानों पर जारी थी, लेकिन एक और नया ठिकाना इसमें जुड़ गया है। 17 ठिकानों पर अभी आयकर विभाग की छापेमारी। तो एक बार फिर से आपको बताते हैं, बड़ी खबर है, आयकर छापेमारी में एक और नया ठिकाना जुड़ा है। अब तक 2 करोड़ की नकदी और एक दर्जन लॉकर्स की चाबियां मिली। आयकर छापेमारी अब 16 से बढ़कर 17 हो गई है, और खासतौर पर जो आयकर विभाग की अब तक छापेमारी में जानकारी मिली, अमूमन आय को छुपाने और खर्च को बढ़ाकर दिखाने के लिए जो समानांतर पुस्तिकाएं हैं उनका उपयोग किया जाता था। पाली, पिपलिया कला और जोधपुर में छापेमारी हो रही है। आयकर विभाग की जनवेषण शाखा है कोई कार्रवाई कर रही है। विभाग की जोधपुर शाखा के नेतृत्व में छापेमारी, और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एसोसिएट एडिटर विमल हमारे साथ जुट गए। विमल जी, आयकर छापेमारी अब तक लगातार जारी थी 16 जगहों पर, लेकिन अब नया ठिकाना जुड़ चुका है। 17 जगहों पर आयकर विभाग की लगातार छापेमारी जारी है, क्या और नई जानकारी इसमें सामने आई विमल जी? देखिए, इसमें जो जानकारी मिली है वो यही मिली है कि कल देर रात तक आयकर अधिकारियों के हाथ में करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी मिल चुकी है जी। अभी जो सुबह सूचना मिली है, उस सूचना के अनुसार इस नकदी में और इजाफा हुआ है। कितना इजाफा हुआ उसके बारे में अभी कोई स्पष्ट नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि आयकर छापेमारी में अब तक करीब 3 करोड़ रुपए के आसपास की नकदी आयकर अधिकारियों के हाथ लग चुकी है, और आयकर अधिकारी इस नकदी को अपने इन जो करदाता है, इन करदाताओं की लेखा पुस्तिकाओं से उसका मिलान करेंगे, और उसके बाद में यदि ये लेखा पुस्तिकाओं में ये नकदी इंद्राज नहीं है तो इसे जब्त किया जाएगा। इसके अलावा आयकर अधिकारियों को बड़ी सफलता ये मिली है कि इस छापेमारी में आयकर अधिकारियों को पैरेलल बुक्स ऑफ अकाउंट्स मिले हैं, जिसमें ये है कि एक बुक्स ऑफ अकाउंट सेट ऐसा था जो आयकर विभाग में या आयकर के हिसाब से दिखाया जाता था, और दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का सेट ऐसा था जो वास्तविक था। इन दोनों में ही काफी अंतर है। ये जो दूसरा बुक्स ऑफ अकाउंट सेट है जिसे आयकर विभाग में दिखाया जाता था, ये केवल खर्चों को एडजस्ट करने के हिसाब से तैयार किया गया था जी। और इसके अंदर जो एंट्रीज वगैरह की गई थी वो एंट्रीज वास्तविक कारोबार से जुड़ी हुई नहीं होकर के फैक है। आयकर अधिकारियों को ये माना जाता है, ये कहना है कि फेक बुक्स ऑफ अकाउंट्स के आधार के ऊपर भी काफी बड़ी मात्रा के अंदर काली कमाई का खुलासा होगा।
तीसरी जानकारी जो आयकर अधिकारियों को इस छापेमारी में अब तक मिली है वो है 12 के आसपास लॉकर्स की चाबियां ढूंढी है इन्होंने जी। और ये माना जा रहा है कि ये जो लॉकर्स हैं इन लॉकर्स के अंदर काफी बड़ी मात्रा के अंदर ज्वेलरी और निवेश से संबंधित दस्तावेज मिल सकते हैं। हालांकि कुछ निवेश से संबंधित दस्तावेज अभी तक आयकर अधिकारियों ने जब्त भी किए हैं जिनका फर्दर विश्लेषण किया जाएगा और उसके आधार पर काली कमाई का खुलासा होगा। जी ज्योति ठीक है विमल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।